बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इत्तेसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीन सीक्वेंसिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जीन क्या होता है और उसको सीक्वेंस कैसे किया जाता है, या ये जो टर्म है जीन सीक्वेंसिंग, इसका क्या मतलब है। जीन डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा फ्रेगमेंट ऑफ DNA है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल आई कलर हो गया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर हो गया, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो किस वजह से बन रहे होते हैं, DNA की वजह से बन रहे होते हैं। और बेसिकली वो जो फ्रेगमेंट है DNA का, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। जैसे आपके पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, आइज़ के अंदर पड़े पिगमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सारे बेसिकली कहाँ से बन रहे होते हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिल रही होती है, जीन से मिल रही होती है। इसी तरह से हमारे पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन कैसे बनती है, आपको पता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम इंसुलिन, और वो इंसुलिन कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स, बीटा सेल्स के अंदर पड़े हुए क्रोमोसोम्स की वजह से। और उन क्रोमोसोम्स पर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसुलिन बनवाने में मदद देते हैं, और वी कैन सी इंफॉर्मेशन आपके पास वहाँ से आती है। अब डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि एक जीन को सीक्वेंस क्यों किया गया, सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म के जीन्स हैं जो ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, बट जैसे जैसे स्टडीज के अंदर या बायोलॉजी की जो आप कह सकते हैं एक शाख है, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसके अंदर एडवांसमेंट आई, तो जरूरत पड़ी कि जीन को सीक्वेंस करना जरूरी है। वाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसके सीक्वेंस को मालूम करके देख सकते हैं कि आइदर उस जीन में म्यूटेशन है या नहीं है, वो जीन डिफेक्टिव है या नहीं है। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स जीन की सीक्वेंसिंग की गई, और हम आने वाले वक्तों में क्या कर सकते हैं उसके अंदर से, या अभी डियर स्टूडेंट्स ये हो रहा है, उस डिफेक्टिव जीन को निकाल के जीन थेरेपी के थ्रू हम वहाँ पर नया जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, जीन सीक्वेंसिंग की वजह से। अब बेसिकली जीन सीक्वेंसिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो मालूम करना, न्यूक्लियोटाइड और वी कैन से ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है वो आपने मालूम करना है, ये आपके पास कहलाता है जीन सीक्वेंसिंग। इसमें आपके पास दो बेसिक जो हैं वो प्रोसेसेस हैं या मेथड्स हैं, एक आपके पास मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, ये साइंटिस्ट के नाम से है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा है सैंगर मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिम गिलबर्ट की। इसमें क्या था, ये बड़ा सिंपल है और इस सैंगर मेथड से ये पहले किया जाता था। क्या होता है कि आपने जो जीन है उसको क्या कर लेना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से फ्रेगमेंट्स के अंदर कट कर लेना है। समटाइम जो थे साइंटिस्ट या मैक्सिम गिलबर्ट जो थे वो क्या करते थे, जीन लेते थे, और सम टाइम क्या करते थे, मतलब जीन से बड़ा फ्रैगमेंट जो था DNA का वो ले लेते थे, और फिर इस फ्रैगमेंट्स को, ये जो आपके पास फ्रैगमेंट्स आए थे जो कटेड फॉर्म में थे, जो छोटे भी थे बड़े भी थे डियर स्टूडेंट्स, इनको क्या किया जाता था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट किया जाता था, और फिर वहां से सीक्वेंस जो है वो मालूम किया जाता था। अब इसमें जो छोटा होता था सबसे एंड पर जो आता था उसको पहले लिख लिया जाता था, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से जो है वो सीक्वेंस मालूम किया जाता था। ये आपकी बुक में इतना डिटेल्ड में नहीं है, आपकी बुक में जो डिटेल्ड में है वो है आपके पास सैंगर मेथड, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सैंगर मेथड को हम डाई डीऑक्सी मेथड भी कहते हैं, डाई डीऑक्सी मेथड। अब ये डाई डीऑक्सी मेथड से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, और इसमें आपके पास यहाँ पर एडिनिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, गवानिन हो सकती है, एंथायमिन हो सकती है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं, तीन फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 2 पर DNA के अंदर H और कार्बन नंबर 3 पर फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपके पास कार्बन नंबर 1, 2 and 3, 4, 5 राइबोस शुगर, ये अब आपके पास क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब ये स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो आप न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहे हैं वो आप डाई डीऑक्सी, डाई का मतलब है दो, डी नहीं है, ऑक्सी ऑक्सीजन, यानी कि दोनों कार्बन्स पर ऑक्सीजन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया,
डाइडियोक्सी मेथड का नाम दे दिया और दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसा क्यों है, पहले ये देख लें। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि ओ प्रेजेंट है तो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आके लग सकता है, क्योंकि ये OH ही बेसिकली क्या करता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो एस्टर बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर सिंपल H होगा। इट्स मीन कि इससे आगे न्यूक्लियोटाइड नया जो है वो नहीं जुड़ सकता। अब इसमें क्या किया जाता है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स, वो देखें। आपके पास इस प्रोसेस के लिए आपको चार डिफरेंट क्या हो टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी, उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपको एक PCR मशीन चाहिए होगी, या आप उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर जो है वो आपको चाहिए होगा। एंड उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डियर स्टूडेंट्स टैक पॉलीमरेज, टैक बफर, जो आपने इसके अंदर यूज किया था PCR के अंदर, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपको चाहिए प्राइमर, एंड आपको चाहिए DNTP यानी कि DNA की जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हैं वो आपको चाहिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं, DATP DNA से डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायामिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये देखें आपके पास चार डिफरेंट टाइप्स की क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेसिस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके साथ साथ आपको ओनली 1% जो बेसिकली इस प्रोसेस का जो है सदबाब है वो क्या है कि आपको 1% सिर्फ 1% क्या चाहिए, DDNTPs डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट चाहिए। आप DNTPs से मुराद क्या है, DATP DCTP DGTP एंड DTTP। मैंने इनको नाम इसी वजह से दिया है इसका ताकि ये आगे मैं आपको आसानी से ये समझा सकूं। बाकी आपने इसके अंदर सारी डालनी है, लाइक आपने DNTPs इसके अंदर डालनी है, इसके अंदर DATP भी डालनी है, DCTP भी डालनी है, DGTP भी, DTTP एंड एज वेल एज बाकी सब के अंदर। सबसे पहले आपको चाहिए वो जीन का वो खास पोर्शन DNA का जिसको आपने जीन बोला है, वो टुकड़ा चाहिए जिसको आपने क्या किया हुआ ऑलरेडी एम्पलीफाई किया हुआ डियर स्टूडेंट्स, और किसकी मदद से किया था, PCR की मदद से किया था, क्योंकि उसी से क्या होगा आगे फर्दर आपने सीक्वेंस मालूम करना है। तो देखिए आपके पास ये क्या आ चुका है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जीन है और इसके पास DNTPs हैं, और आपने इसके अंदर जो 1% चीज ऐड करनी है वो है DATP, इसी वजह से हमने इसको नाम दे दिया A का। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्या करना है, डाइडियोक्सी 1% CTP, तो इस वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, सी का। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास है इसमें आपने DNTPs प्राइमेज टैक पॉलीमरेज सारी चीज़ें जैसे आपने इसके अंदर डाली थी, एंड 1% आपने डाइडियोक्सी GTP जो है वो डालनी है, इस वजह से हमने इसको नाम दिया जी का और एंड सो ऑन, और ये आपके पास क्या कहलाती है, टी। अब आपने क्या करना है, ये साइकिल रन करवा देना है। अब हर टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, या एपन ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, जो साइकिल है वो रन कर रहा है किसका, PCR का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए 1% चांस है ये DNA की कॉपीज बन रही हैं, कॉपीज बन रही हैं, 1% चांस है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, DATP आ जाएगा, तो वो फ्रैगमेंट वहां पर रुक जाएगा। सपोज मैं इसी के लिए बना लेता हूं, देखें डियर स्टूडेंट्स पहली टेस्ट ट्यूब को हम ले लेते हैं, ये देखिए हमने PCR रन किया, PCR में सपोज बाई चांस लकीली क्या हुआ कि जो आपका जो DNA कॉपी हो रहा था उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगते गए सपोज यहां तक लग रहे, यहां पर क्या हो गया है, DDATP आ गया है, तो ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना है DNA का। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ है, जो इसके दूसरा था उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये बनता जा रहा है, सॉरी इधर से बनेगा, ये बनता जा रहा है यहाँ पर आपके पास DDATP आया है, तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा फ्रैगमेंट बना है, लेकिन इससे क्या है डियर स्टूडेंट्स ये छोटा है। इसी तरह से क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैगमेंट इतना बड़ा भी हो सकता है, ये फ्रैगमेंट इतना बड़ा भी हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है और वो पहले ही कौन सा हो गया है, DDATP ऐड हो गया। तो इसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट लेंथ के क्या बनेंगे आपके पास, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे DNA के, किसी की लेंथ बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की एक न्यूक्लियोटाइड पर होगी, किसी की दो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 1% चांसेस हैं इसके अंदर कि क्या होगा, जब DNA एम्पलीफाई हो रहा होगा, एम्पलीफिकेशन हो रही होगी, तो नया न्यूक्लियोटाइड डाइडियोक्सी की वजह से नहीं रुकेगा और वो चेन वहीं पे क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। जब वो चेन वहां पे टर्मिनेट करेगी तो DNA का साइज उतना ही रहेगा, और वी कैन से जीन का साइज उतना ही रहेगा,
और ये जितना छोटा होगा डियर स्टूडेंट्स उतना ही जल्दी आप क्या कर सकते हैं, जीन का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। कैसे? अब आपने क्या किया, ये आपके पास डिफरेंट फ्रैगमेंट आ गए हैं, किसकी वजह से? पीसीआर की वजह से। इसी जीन के बहुत सारे क्लोन बन चुके हैं, लेकिन हर क्लोन की लेंथ एक जितनी नहीं है। हर क्लोन की लेंथ क्या है, एक दूसरे से डिफर कर रही है। कोई एक न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, कोई दो न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, कोई तीन न्यूक्लियोटाइड बड़ा है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास किधर आ गए, पीसीआर के अंदर। अब आपने क्या करना है, इन सब को इन ट्यूब्स में से उठा लेना है, और माइक्रोपिपेट की मदद से डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टीटीटी वाला आपने यूज़ किया था तो आपने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना रखी है ना, उसमें भी आपने चार डिफरेंट वेल्स बना के रखने हैं उस जेल के अंदर, जहां पर आप क्या लोड करने जा रहे हैं, इन टेस्ट ट्यूब में से सैंपल लोड करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स टी वाला टी में आपने डालना है, एंड एज वेल एज जी वाला जी के अंदर, एंड सी वाला सी के अंदर, और ए वाला ए के अंदर। ये सैंपल आपने इधर उधर नहीं कर देने, मिक्स नहीं कर देना जब आप इसके ऊपर पीसीआर रन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इसको जेल के अंदर ट्रांसफर किया माइक्रोपिपेट की मदद से, तो अब आप क्या करेंगे, इसको बैटरी से लगा देंगे। सपोज आपने इसको नेगेटिव के साथ लगा दिया, एंड इसको आपने रेड वाली को किससे लगा दिया, पॉजिटिव के साथ लगा दिया। बैटरी लग गई तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पीसीआर के अंदर मैंने आपको बताया था, एंड एज वेल एज डीएनए के स्ट्रक्चर में बताया था, फॉस्फोरस की वजह से। तो यहां पर देखें जो फ्रैगमेंट होंगे आपके पास छोटे, वो किधर आ जाएंगे, वो आपके पास दूर दूर आ जाएंगे, मतलब दूर। जो जितने मोटे होते जाएंगे वो नज़दीक आते जाएंगे। अब ऐसा क्यों है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। इधर से चार्ज आप कौन सा दे रहे हैं, नेगेटिव। इधर कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव डीएनए को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और ये डीएनए इस जेल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड इसी तरह से आपके पास ये कुछ आ गए बैंड्स, ये आ गए इसके और ये इसके आ गए। सपोज इस तरह से आपके पास क्या है, डिफरेंट लेंथ के जो डीएनए हैं वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होगा, अब आपने इन्हीं को, ये जो जेल के अंदर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने डाई डीऑक्सी 1% यूज की हुई थी, आपके पास दो मेथड हैं। या तो डियर स्टूडेंट्स ये रेडियो एक्टिवली क्या हो, रेडियो एक्टिवली आपके पास लेबल्ड हो, या फिर आजकल का जो प्रोसेस है वो फ्लोरिसेंट हो, जैसे मैंने कर दिया है, इन चारों को डिफरेंट कलर दे दिए। फ्लोरिसेंट डाइज यूज की जाती हैं, मतलब ब्लू जो है वो ए के लिए आएगा, सी जो है वो रेड है, जी जो है डियर स्टूडेंट्स वो ब्लैक है, एज वेल एज थायामीन आपके पास क्या है, दोबारा से ब्लू है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन यूज़ करना था, वो पता नहीं क्यों नहीं किया, मिस्टेकनली नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, सपोज चलें ऐसे कर लें कि ये जो आपके पास टी है ये किसके साथ किया है, ग्रीन के साथ। तो मैंने चार डिफरेंट कलर दे दिए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये जो आप इसको कलरिंग कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, लेबलिंग भी बोलते हैं। तो दो तरह से की जाती है, या तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगा रहे हैं, या फ्लोरिसेंट डाइस यूज कर रहे हैं, जिसको आप फिर डिफरेंट लाइट के अंदर जो है वो देख सकते हैं। अब आपके पास ये डीएनए जो है वो अपने साइज की वजह से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इट्स मीन कि सबसे जो छोटा है वो ये है, और वो किधर आया है, पॉजिटिव वाली साइड पे, और बड़े बड़े जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो इधर मौजूद हैं, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से वो जेल में मूव नहीं करते। अब हमने सीक्वेंस मालूम करना है, तो सीक्वेंस का जो ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने कैसे करना होता है, नीचे से ऊपर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लेकर जाना। अब हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है, सी, और उससे बड़ा डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, लाइक ए, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दोबारा से सी, फिर हमारे पास आता है टी, फिर हमारे पास आता है जी, फिर हमारे पास आता है ए, फिर हमारे पास आता है सी, फिर हमारे पास आता है टी, फिर हमारे पास आता है सी, फिर नेक्स्ट हमारे पास ए, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास टी, फिर ये जी, फिर आपके पास ए, फिर आपके पास टी, फिर सी, फिर ए, एंड एज वेल एज जी, फिर जी। अब ये देखें हमने इसकी मदद से क्या किया है, एक जीन का सीक्वेंस मालूम कर लिया है, और वो सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर आपके पास 5' और ये आपके पास 3', और ये उलट भी हो सकता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, देखें ये क्या आया है, सी ए सी टी जी ए टी सी ए टी जी ए टी सी ए जी एन जी। ये आपके पास जो है वो क्या आ चुका है, ये वो जीन है जिसको हमने क्या किया था, सीक्वेंस किया था, जो इसके अंदर मौजूद है।
अब ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है? डाइडियोक्सी मेथड के थ्रू हुआ है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से जीन्स को आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। और जीन का सीक्वेंस मालूम इसलिए किया जाता है कि आप आजकल जो ज़माना है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जीन को लेबॉरेटरी के अंदर भी जो है वो सिंथिसाइज कर सकते हैं। और इसी जीन के सीक्वेंस की वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में आया। और बेसिकली जो ह्यूमंस का जीनोम है उसको आपने क्या किया, पूरे के पूरे जीनोम का सीक्वेंस कर लिया और तकरीबन 2002 के अंदर उसको पब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इसी जीन सीक्वेंस की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स, आपके पास नीमाटोड्स एंड एज वेल एज अरेबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट्स है डियर स्टूडेंट्स, और प्लांट्स में भी फर्न्स मोस्टली, इनके डीएनए को आपने क्या किया है, उसका सीक्वेंस मालूम कर लिया है, उसके जीन्स जो हैं उनका सीक्वेंस आपको मालूम है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो एक अमेरिकन वेबसाइट है डियर स्टूडेंट्स, NCBI, इसके ऊपर जाकर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हैं। अमेरिकन वेबसाइट है और वहाँ पर आपके पास क्या है, जीन्स के सीक्वेंस मालूम हुए हुए पड़े हुए हैं। और आजकल तो ये बहुत ही आसान है, आपको कोई 4 टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस पूरे का पूरा जो है वो रन कर सकते हैं। और फ्लोरोसेंट डाई जो है वो यूज़ करते हुए आप जीन का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। एंड एज वेल एज एक रोबोटिक सिस्टम हो गया है। पहले जब जीन सीक्वेंसिंग की जाती थी उस पर महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे एक जीन को सीक्वेंस करने के लिए, और पता नहीं कितने ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाए जाते थे, जो कि फिर डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास ये जो DNTPs हैं या डाइडियोक्सी NTPs होती हैं, ये बनाने के लिए टाइम लगता था। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो एक्सपेरिमेंट किसी भी वजह से, लाइक PCR ठीक नहीं हुआ, लाइक आपने लाइगेशन ठीक नहीं हुई, टैग बफर नहीं था ठीक, वो सारे का सारा प्रोसेस जो था आपका वो क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो मैनुअल था। अब सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है, रोबोटिक है। तो एक जीन को जब आप उस मशीन के अंदर डालते हैं जिसको आप जीन सीक्वेंसर बोलते हैं, वो आपको फ्यू मिनट्स के अंदर क्या करता है, सीक्वेंस करके जीन उसका सीक्वेंस कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास सीक्वेंस मालूम करना होता है, ये किस लिए किया जाता है, ताकि बहुत सारे डिजीजेस को क्या किया जाए, डिटेक्ट किया जाए। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।